Students, so let's start third part of work and energy. So in this video we complete exercise of this chapter. Okay, so dekhiye bachcho, sabse pehle hum karenge fill in the blanks. So dekhiye bachcho, sabse pehle fill in the blanks kya hai. The main source of light energy is, ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको light energy बताई थी कि light energy का सबसे बड़ा source क्या है, sun. Sun से सबसे ज्यादा हमें light मिलती है. तो light energy का सबसे बढ़िया source क्या है आपका, सबसे बड़ा source sun. मेन सोर्स है. सेकंड देखिए, बर्निंग ऑफ अ वुड यानी लकड़ी, वुड यानी लकड़ी, बर्निंग ऑफ अ वुड इज एन एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ. देखिए जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो क्या कन्वर्जन होता है, कौन सी एनर्जी मिलती है आपको, क्या कन्वर्जन होता है पता है आपको बच्चों? ये मैंने आपको बताया था जब केमिकल एनर्जी पढ़ा रहा था. जो केमिकल एनर्जी होती है वो बैटरीज में होती है, ऑयल में होती है, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में होती है, लकड़ी में होती है, इन सब में क्या होती है बच्चों, केमिकल एनर्जी होती है. और अगर हम वुड को जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलती है, हीट निकलती है. ठंडों में आपने लकड़ी जला के ताप सेकी होगी, तो यानी जो उसके अंदर वुड के अंदर जो केमिकल्स हैं वो जल के क्या देते हैं आपको, हीट देते हैं, गर्माहट देते हैं. तो ही यहाँ पे केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है बच्चों, हीट एनर्जी में. तो क्या है आंसर इसका, बर्निंग ऑफ अ वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन यानी चेंज होना. कन्वर्जन ऑफ क्या चीज चेंज होती है बच्चों, केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी. केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी. ओके, हीट एनर्जी. थर्ड देखिए बच्चों, डैश एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मसल्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ये मैंने बताया था आपको बच्चों, हमारे मसल्स में कौन सी एनर्जी होती है ये तो आपको पता है ना, जल्दी बताइए. मस्कुलर एनर्जी, जो हमारे एनिमल्स में, जानवर्स के मसल्स में भी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी होती है जो, उसमें घोड़े अपने मसल मस्कुलर एनर्जी से तो घोड़ा गाड़ी को खींचते हैं, उसी तरीके से गायों में होती है. मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी मसल्स में और हमारी मसल्स में, ह्यूमन बींग्स की मसल्स में कौन सी एनर्जी होती है, मस्कुलर एनर्जी. फोर्थ देखिए बच्चों, रीडिंग, पढ़ते हैं और हम सोचते हैं, थिंकिंग एटसेट्रा यानी कि और भी बहुत सारी चीजें इस, वो क्या होती है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको टू टाइप्स ऑफ वर्क बताया था, एक तो फिजिकल वर्क और एक मेंटल वर्क. फिजिकल वर्क क्या होता है, जो हम अपने हाथों से करते हैं, जो हम अपने शरीर से करते हैं. और मेंटल वर्क क्या होता है, जो हम अपने दिमाग से करते हैं बच्चों, जो हम सोचते हैं पढ़ते हैं. तो वो सब क्या होता है बच्चों, हमारा रीडिंग थिंकिंग ये सब क्या है, मेंटल वर्क. तो इसका आंसर क्या है बच्चों, इज मेंटल वर्क. ओके, विंड एनर्जी इज यूज टू रन डैश. अब देखिए मैंने बताया था जब आपको विंड एनर्जी पढ़ा रहा था, तो मैं विंड एनर्जी से क्या यूज होता है, किसको हम रन करवाते हैं, विंड मिल्स को. बहुत बड़ी सी छतरी सी होती है जिसमें तीन पंखे टाइप की सी फैंस की वो लगी रहती है उसके अंदर, पंखुड़ी टाइप की, वो घूमती है उससे, विंड एनर्जी से. और वो क्या किसमें ट्रांसफर करती है, किसमें कन्वर्ट करती है विंड एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो विंड एनर्जी किस में यूज होती है बच्चों, किसको चलाने में यूज होती है, रन यानी चलाना. किसको चलाने में यूज होती है, विंड मिल्स को चलाने में. उनको क्या बोलते हैं बच्चों, विंड मिल्स. तो बच्चों इन फिल इन द ब्लैंक्स को उतारिए अपनी कॉपी में जल्दी से, अब देखते हैं मैचिंग. ओके, तो देखिए बच्चों, मैच द फॉलोइंग. मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी किसमें लगती है बच्चा, जब आपके जो सीलिंग फैंस होते हैं, जो दीवार पे पंखे लगे रहते हैं, जब वो घूमते हैं, तो उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी लगती नहीं लगती. अब आप बोलेंगे सर मैकेनिकल एनर्जी तो नहीं लगती जब तक हम प्लग ऑन नहीं करते, जब तक वो चलता नहीं है, मतलब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तो चलता है वो सीलिंग फैन. तो बच्चों आपकी बात सही है, सीलिंग फैन तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है, लेकिन जब वो मूव करने लग जाता है तो उसमें क्या लगती है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी. यानी कि रोटेटिंग सीलिंग फैन, अगर यहाँ पे सीलिंग फैन लिखा होता ओनली तो आप कह देते कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आंसर है, लेकिन अब रोटेट कर रहा है, जब कोई मशीन घूमने लग जाती है तो वो क्या करती है बच्चों, घूमने लग जाती है, कोई भी काम करने लग जाती है मशीन, तो वो होती है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी. बताया था ना मैंने आपको, जो मैकेनिकल काम होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी का इसका क्या है इसके मैचिंग में बच्चों, रोटेटिंग सीलिंग फैन. तो ये हो गया फर्स्ट, रोटेटिंग सीलिंग फैन. सेकंड देखिए केमिकल एनर्जी, अभी मैंने आपको बताया था केमिकल एनर्जी किसमें थी, अभी वुड के अंदर. तो इसी तरीके से जो सेल्स होते हैं आपके, रिमोट सेल्स होते हैं, इसी तरीके से जो बैटरीज होती हैं आपके, उसमें क्या होती हैं, केमिकल एनर्जीज होती हैं. तो सेकंड क्या हो गया बच्चों, सेल्स एंड केमिकल एनर्जीज. सेल्स में क्या होती है, केमिकल एनर्जी. थर्ड देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या चलती है बच्चों, जो आपकी डेली यूज में चीजें होती हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गई, तो आपको दे रखी है इसके अंदर वॉशिंग मशीन. हाँ, वॉशिंग मशीन दे रखी है, तो इसका क्या हो गया थर्ड.
थर्ड हो गया बच्चों वॉशिंग मशीन, जो कि किसे चलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। इसके बाद देखिए लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी किससे मिलती है आपको सबसे ज्यादा, सनलाइट से। तो इसका फोर्थ वाला क्या हो गया, सनलाइट। फिफ्थ देखिए बच्चों विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी मैंने आपको बताया था, विंड एनर्जी से क्या चलती है बच्चों, विंड मिल्स। तो विंड मिल्स में क्या आएगा बच्चों, फिफ्थ वाला जो कि है विंड एनर्जी। सिक्स देखिए साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी सब में सबसे ज्यादा किससे मिलती है बच्चों, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे गिटार हो गए, पियानो हो गए, वायलिन हो गए, इन सबसे क्या मिलती है बच्चों में, साउंड एनर्जी मिलती है। तो इसमें से क्या होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये हो गया सिक्स्थ। तो बच्चे आपने सिक्स मैचिंग देखी, इनको अपनी कॉपी में नोट करिए। अब देखते हैं एक और एक्सरसाइज। तो देखते हैं बच्चों थर्ड टाइप ऑफ एक्सरसाइज। नेम एनी टू डिवाइसेस दैट वर्क्स फ्रॉम, आपको दो डिवाइसेस बताने हैं जो कि काम करते हो किससे, सोलर एनर्जी से। तो सोलर एनर्जी से कौन काम करते हैं बच्चों, जैसे सोलर कुकर हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, लिखिए सोलर कुकर। सोलर कुकर देखा होगा बेटा आपने, जिसमें क्या होता है धूप में रख दोगे आप उसको, और उसके अंदर थोड़े कटोरी में कुछ भी मतलब चीजें रख दो, वो कुकर का काम करती है वो, ठीक है। उसमें सोलर एनर्जी चाहिए होती है उसको, सोलर कुकर हो गया, सोलर पैनल्स हो गए, ये तो आपने जरूर देखे होंगे, छतों पे लगे रहते हैं, जो लाइट पिलर्स होते हैं सड़कों पर उसमें लगे रहते हैं, लाइट के खंभे होते हैं ना सड़कों पर, उसके ऊपर छोटे छोटी प्लेट्स से लगी रहती हैं, वो क्या होती है बच्चों, सोलर पैनल्स। वो है ना जब क्या होता है सूर्य से रोशनी लेती हैं और रात में वो जलती हैं, तो सोलर पैनल्स होते हैं वो, है ना, और छतों पे भी लगे रहते हैं, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं लाइट एनर्जी को, है ना। तो सोलर एनर्जी से क्या होता है, सोलर कुकर चलते हैं और सोलर पैनल्स चलते हैं, टू डिवाइसेस बताने हैं हमको। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से देखिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तो बहुत सारी चीजें चल जाती हैं, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, वॉशिंग मशीन्स हो गई, बल्ब्स हो गए, तो कोई से भी लिख दो आप, तो लिख देते हैं बल्ब एंड रेफ्रिजरेटर, बल्ब एंड रेफ्रिजरेटर। ओके, थर्ड देखिए बच्चों केमिकल एनर्जी से। केमिकल एनर्जी भी बहुत सारी चीजों में होती है, जैसे मैंने आपको बताया था ऑयल में, केरोसिन में यानी कि मिट्टी के तेल में, कोल में यानी कोयले में, और वुड में यानी कि लकड़ी में। तो दो आप लिख दीजिए, जैसे कि वुड हो गया, वुड एंड कोल लिख दीजिए, मतलब कोयला, ठीक है। तो ये आपने तीन नोट करिए इसको, और अभी हम मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आप मुझे घर से करके लाके देंगे और इनको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। आपके जो आने वाले जो पेपर्स होंगे जब स्कूल खुलेंगे बच्चों, मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा, तो जल्दी से अपनी कॉपी में फेयरली नोट करिएगा और लर्न भी जरूर करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ। तो देखिए बच्चों आपको ये वाले क्वेश्चंस करके लेके आने हैं होमवर्क में। देखिए बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, आपको बताना है वर्क क्या होता है यानी काम क्या होता है। ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था ना, नोट्स में से बच्चों आपको इन सबके आंसर मिलेंगे, तो आपको इन सबके आंसर्स लिखने हैं कि वर्क क्या होता है। सेकेंड देखिए, व्हाट इज एनर्जी, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, आपको बताना है कि एनर्जी क्या होता है बच्चों, और एक एग्जाम्पल के साथ बताना है कि एनर्जी क्या होता है। और थर्ड देखिए बच्चों, राइट एनी फाइव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आपको फाइव फॉर्म्स लिखनी है एनर्जी की, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, केमिकल एनर्जी हो गई, इसी तरीके से जो मैंने आपको फॉर्म्स लिखवाई थी उसी में आपको फाइव फॉर्म्स लिखनी है एनर्जी की। फोर्थ देखिए बच्चों, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वर्क, कितने टाइप्स के वर्क होते हैं, ये मैंने आपको बताया था ना बच्चों, तो जितने टाइप के वर्क्स होते हैं वो आपको इसके अंदर लिखने हैं, ठीक है। सेकेंड फिफ्थ देखिए बच्चों, राइट फाइव एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के आपको एग्जांपल लिखने हैं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना कि लाइट एनर्जी से कौन सी लाइट एनर्जी से कब हीट एनर्जी चेंज होती है, जब हम बर्न करते हैं वुड को, लकड़ी को जलाते हैं, तो उसी में क्या होता था लाइट एनर्जी, जो हीट एनर्जी जो हमारी केमिकल एनर्जी थी, वो जब हम बर्न करते हैं वुड को, तो जो केमिकल एनर्जी होती है वो किस में चेंज होती है बच्चों, हीट एनर्जी में। तो इसी तरीके से आपको फाइव एग्जांपल्स लिखने हैं कि कोई एनर्जी किसी एनर्जी में चेंज होती है। और मैंने आपको एक और एग्जांपल बताया था, जब हम रब करते अपने हैंड्स को, जब हम रगड़ते हैं अपने हैंड्स को, तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किस में चेंज होती है, हीट एनर्जी में। तो इसी तरीके से आपको फाइव एग्जांपल्स लिखने हैं बच्चों। तो ये आपके फाइव क्वेश्चंस हैं, इसको देख लीजिए, अपने जल्दी से कॉपी में रोक के वीडियो को उतार लीजिए, और इनका स्क्रीनशॉट लेके भी उतार सकते हैं आप। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन करने हैं और मुझे सेंड करने हैं ग्रुप पर, ओके, मैं चेक करूंगा आपके क्वेश्चन आंसर्स, और जो एग्जाम्स होंगे स्कूल खुलने के बाद उसमें भी मैं आपको ये क्वेश्चंस दूंगा। तो बच्चों इनको नोट करिए और इनके आंसर्स मेरे पास भेजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।